एपीएस, एलपीएस, केवी, डीपीएस के प्रधान अध्यापकों और समन्वयकों ने आज एलडीको उद्यान 2 में आईएसएफ विशेष स्कूल का दौरा किया और आत्मकेंद्रित के बारे में अपना समर्थन दिखाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक गंभीर विकासात्मक विकार जो संवाद करने और बातचीत करने की क्षमता को बाधित करता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार तंत्रिका को प्रभावित करता है और प्रभावित व्यक्ति के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य और निदान के तुरंत बाद एक विशेष स्कूल में नामांकन की आवश्यकता को प्रभावित करता है। आईएसएफ की निदेशक बॉबी रमानी का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां समावेश को बढ़ावा देती हैं और विशेष जरूरत वाले बच्चों के माता पिता को संदेश फैलाने में मदद करती हैं। आईएसी के संस्थापक प्रेरणा त्रिपाठी ने पूरे प्रयास का समर्थन किया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने क्राफ्ट बॉक्स भी बनाए। मैं जहाँ पे हूँ, ये आई सपोर्ट फाउंडेशन है जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स का स्कूल है और जिसको बॉबी रमानी जी चलाती है। तो मैं यहाँ पे आज इस संस्था पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि अभी भी जो है ऑटिज्म को लेके बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो मेरा ये एक छोटा सा इनिशिएटिव समझ लीजिए, एक छोटा सा तरीका था लोगों तक ये बात पहुँचाने का कि ऑटिज़म क्या है और इसका जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना जल्दी और उतना ज़्यादा अच्छे से जो है बच्चों को इम्प्रूवमेंट और बच्चों के लिए मेहनत की जा सकती है। कितना टाइम हो गया आपने ये जो आपकी फाउंडेशन स्टार्ट करी है? मैंने इसको स्टार्ट किया था 2014 में, तो अब हमारे को 7-8 साल हो चुके हैं। कितने बच्चे आपके इस अकेडमी में आते हैं? अभी हम जहाँ एलडीको 2 ब्रांच में है वहाँ पर हमारे पास 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों का एडमिशन है। क्या क्या एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हैं उनको, किस टाइप की स्पोर्ट्स हैं? जैसे एक नॉर्मल स्कूल चलता है वैसे ही एक प्रॉपर स्कूल हम लोग चलाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम स्पेशल नीड्स के लिए काम करते हैं। स्पेशल नीड्स में हम एजुकेशन भी देते हैं, बच्चों को थेरेपी भी देते हैं और साथ ही साथ उनका म्यूजिक सेशन, स्पोर्ट्स सेशन जैसा एक नॉर्मल स्कूल में होता है वैसे ही यहाँ पर सारे सर्विसेज उनको होंगे। गवर्नमेंट के थ्रू आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है? हाँ, गवर्नमेंट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आपने आज ये होली फेस्टिवल के लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में बताइए। हाँ, ये कुछ हमारे क्राफ्ट बॉक्सेस हैं जो हमने बच्चों से डिज़ाइन करवाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन या फिर जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको लेकर के जॉब का काफ़ी ट्रबल आता है, उनका एम्प्लॉयमेंट स्किल्स होने के बावजूद उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। तो उन्हीं का एक हमने यहाँ पर वोकेशन ट्रेनिंग स्किल स्टार्ट किया है जहाँ पे वो ये बॉक्सेस बनाएंगे और उसके बाद ये जो है वो हम लोग मार्केट में या फिर उनके पेरेंट्स ही जो है वो सेल करके एक तरीके से उनको मोटिवेशन दे सकते हैं और ये उनकी डिग्निटी के लिए भी काफ़ी जो है वो सराहनीय रहेगा। टाइप की डिसेबिलिटी के बच्चे ज़्यादा ही हैं यहाँ पर, उसके बारे में? जी, हम लोग 4 प्रकार की डिसेबिलिटी पे काम करते हैं, जिसमें से सबसे पहले है ऑटिज्म जो हमारा मेन फोकस है। इसके बाद हम सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम और अदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बच्चों के लिए भी काम करते हैं। एनी एज फैक्टर जो है कि पर्टिकुलर कोई एज है जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? हमारे यहाँ जो सबसे छोटा बच्चा है वो 2.25 साल का है और जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 32 साल का है। तो एज बार नहीं होता है इसमें। इसमें ये होता है कि जैसे ही पता चल जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म के लक्षण है या किसी डिसेबिलिटी के लक्षण है, वैसे ही उनका ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। ओके, प्रेरणा जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आप कब से जुड़ी हैं इस फाउंडेशन के साथ? मैं इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी तो एक तरीके से 1 साल से हूँ, बट क्योंकि कोविड की जो महामारी थी उस बीच में, उस दौरान जो है हम सिर्फ वर्बली कुछ ना कुछ लोगों तक पहुँचा सकते थे। अब क्योंकि लॉकडाउन खुला है और लोगों ने इधर उधर आना जाना शुरू किया है, तो अब मैं जो है ये तो नहीं बोलूँगी फुल टाइम जुड़ी हूँ, बट मुझे जब भी मौका मिलता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस एनजीओ के लिए, फाउंडेशन के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ। तो भी पेरेंट कई बार अग्री नहीं करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेप्ट करना, मतलब हम प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं, उसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो मीडिया है या इन जनरल जितने भी लोग हैं वो स्पेशल डेफिनेशन कह चुकी है, मुझे उसको बस दूसरी तरीके से कहना है कि हमें इसके बारे में बात करनी है पहले
और दूसरा जैसे साइकोलॉजिस्ट है या अदर देन साइकोलॉजिस्ट, कई बार जो है घर में बच्चों के बारे में पता होता है और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर ये हमसे कहीं और जाएगा तो कहीं हमें सोसाइटी दूसरी तरीके से ना देगी। तो मुझे लगता है कि हमारा और आपका काम ये है कि सोसाइटी के उसमें कोई सामान नहीं है, इस तरीके की स्पेशल डिसऑर्डर है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में मीन या किसी भी तरीके से नेगेटिविटी नहीं फैलानी। चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।